नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। समाज कल्याण और परिवहन के जनपद प्रभारी मंत्री यशपाल आर्या ने विकास खंड बेताल घाट के राजकीय इंटर कॉलेज ऊंचा कोट में 1,35,00,000 की 18 योजनाओं का लोकार्पण किया। शिविर में मंत्री यशपाल आर्या ने क्षेत्रीय लोगों की जन समस्याओं को भी सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। यशपाल आर्या ने कहा कि जनता ने जो भरोसा किया था, उस भरोसे पे खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा ईमानदारी से क्षेत्र के विकास में काम किया गया है। विकास कार्यों को लेकर इसके लिए हमेशा हम प्रयास करते हैं, उसकी आज आधारशिला भी रखी गई विकास कार्यों की और लोकार्पण भी यहाँ पर किए गए हैं। और जिससे उसे पिछले 4.5 सालों में 4.25 सालों में विकास खंड बेताल घाट विकास की दौड़ में सबसे आगे निकला। चमोली जिले में सफाई कर्मचारी पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की वजह से शहर में इस वक्त गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लोगों की परेशानी को देखते हुए नगर पंचायत नंदप्रयाग के अध्यक्ष डॉक्टर हिमानी वैष्णव ने नगर पंचायत कर्मचारियों के साथ खुद झाड़ू लगाकर सफाई की। अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशी वैष्णव ने कहा है कि जब तक सफाई कर्मियों की हड़ताल समाप्त नहीं हो जाती, तब तक वह खुद नगर की सफाई करेंगे। मैं स्वच्छता के लिए कटिबद्ध हूँ और हमारे कर्मचारी भी सफाई के लिए हमेशा कोई ना कोई अभियान करते रहते हैं, लेकिन इस बार मैं जनता को एक संदेश देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं वो लोग हड़ताल पे हैं और मैं जनता से निवेदन करना चाहती हूँ कि अपने चारों तरफ सफाई रखें। जब तक कि उनकी हड़ताल खत्म नहीं होती है, तब तक वो लोग सफाई रखें और हमारी कूड़े की गाड़ी आएगी, स्वतः ही वो इधर उधर से कूड़ा उठा के। हरिद्वार के सिडकुल स्थित पेंटागन मॉल में खुली वाइन शॉप पर एसडीएम ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान तमाम गड़बड़ियां पाई गई हैं। बता दें कि पिछले काफी दिनों से एसडीएम और डीआईओ को शिकायतें मिल रही थी कि शराब की दुकान में शराब ज्यादा दाम पर बेची जा रही है। ये सिलसिला लॉकडाउन के दौरान से चल रहा था। एसडीएम अंशुल सिंह ने बताया कि यह रूटीन चेकिंग की तरह ही किया गया है। लॉकडाउन में है, लॉकडाउन के नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोग जो है कहीं भीड़ तो नहीं लगा रहे हैं, तो आपदा की स्थिति है। और उसके साथ साथ जो रूल्स और रेगुलेशन इन लोगों के एक्साइज एक्ट के तहत हैं उसको ये फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो इसको एक मतलब सचेत करने के लिए और इनको कार्रवाई करने के लिए इस तरह से हम लोग रूटीन में ये चेकिंग हुई है। और जो भी अनियमितताएँ पाई गई हैं अभी तो चल ही रहा, कोई भी अगर शिकायत आती है तो उस पर प्रॉपरली कार्रवाई होती है और आगे भी हम लोगों का प्रयास है कि मतलब लगातार निरंतर चेकिंग की जाए, जिससे इस तरह के अगर कोई छिटपुट कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उस पर हम उस पर जुर्माना करें। एक्चुअली रेगुलर चेकिंग है बेसिकली। अभी आप देख रहे हैं से लॉकडाउन खुल रहा है तो वाइन शॉप्स और इधर भी भीड़ बढ़ती जा रही है, तो हमारे बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखनी है वो देखनी है कि ये लोग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जो हमारे नियम हैं एक्साइज एक्ट के तहत, जैसे इन्हें बाहर अपने लाइसेंस टांगना होता है, रेड टेस्ट लगानी होती है, स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना होता है, स्टॉक में कमी ज़्यादा ये सब तो नहीं है, तो वो सारी चीज़ें चेक करिए, कैमरास फंक्शनिंग है नहीं है। तो बेसिकली जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, दिस इज़ द मैसेज टू ऑल द वाइन शॉप ओनर्स और वो सब, कि जो प्रॉपर जो नियम है उसके अनुसार ही आप कार्रवाई करिए, वरना आप जानते हैं लॉकडाउन में भीड़ भी ज़्यादा होती है, कभी भी आगे भी कार्रवाई औरों के खिलाफ भी हो सकती है। हरिद्वार एसएसपी सैंथिल अबुदई ने कोतवाली गंग नहर का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी ने सलामी लेते हुए गार्ड का बारीकी से निरीक्षण किया। एसएसपी ने थाना कार्यालय और परिसर का निरीक्षण करते हुए थाना परिसर में माल खाने का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि नए मालखाना भवन के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर उनको सौंपे। आज वार्षिक निरीक्षण हुआ था कोतवाली गंगनगर में जो है, इसमें जो है हमने थाने का सभी जो हिस्सा है, जैसा मालखाना हो गया, बैरक हो गया, थाने का ऑफिस, डॉक्यूमेंट, सबको हमने निरीक्षण किया है और कहां कहां सुधार का इम्प्रूवमेंट जरूरत है उसके बारे में हमने बताया है। अभी इनको एक महीने का टाइम दिया है, ये जो भी कमियाँ हमने अभी चिन्हित करके इनको बताया था उसका ये सही करके जो एक महीने के अंदर सीईओ को दिखा के दिखा। उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन किया। आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों से सफाई कर्मचारियों का इसी प्रकार से हड़ताल जारी है।
इस दौरान आक्रोशित सफाई कर्मचारी नगर पंचायत कार्यालय पर एकत्रित हुए और जुलूस निकालकर नारेबाजी की। इसके साथ ही कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तो उनका प्रदर्शन और तेज होगा। दूसरी तरफ सफाई कर्मचारियों के द्वारा किए जा रहे आंदोलन के चलते नगर में कूड़े के बड़े बड़े ढेर लगने शुरू हो चुके हैं, जिससे नगर में महामारी फैलने की आशंका बढ़ गई है। मांगे हैं और आज छठा दिन हो गया है और हमारे चेयरमैन साहब, ईओ साहब सारे हमारे फेवर में हैं और सरकार हमारी जो है नहीं मान रही। अगर सरकार मान लेती है तो हड़ताल तुरंत ही हमारा और मांगे ये 11 सूत्री है। जैसे इनकी तनख्वाह कम है ठेका वालों की, इनकी तनख्वाह बढ़ना चाहिए, इन्हें परमानेंट करना चाहिए, ठेका हटाओ और जैसे भी हो ठेका भी अगर खारिज हो जाए, अगर खारिज ना हो तो इनका पैसा बढ़ना चाहिए। सबसे पहले हमारा मांग है कि ठेके प्रथा खत्म कर दी जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि सारे जो हमारे नगर पालिका, महापालिका और नगर निगम के लोग हैं इनको राजकीय में घोषित कर दिया जाए। मेन चीज़ ये, बाकी जो और छोटी मोटी मांगे हैं वो 11 कुल मिलाकर हैं। हमारी जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक हमारा मुख्यमंत्री या हमारी सरकार हमारी बात नहीं मान लेती। ऋषिकेश में एक ज्वेलर्स की पत्नी से लाखों रुपए की ज्वेलरी की ठगी का मामला सामने आया है, जहां पर ढोंगी बाबा को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से ज्वेलरी भी बरामद की है। पुलिस ने इस कार्यवाही से व्यापारी समाज में जमकर तारीफ की जा रही है। व्यापारियों ने कोतवाली ऋषिकेश पहुंचकर एसपी देहात, पुलिस क्षेत्राधिकारी, डीसी ढोंडियाल, कोतवाल और एसओजी सहित पूरी टीम का सम्मान किया। देखिए ये ऋषिकेश की जनता का बड़ा सराहनीय कार्य है कि उन्होंने पुलिस की इन परेशानियों को समझते हुए और इन परेशानियों में इस कार्य को करने में जो पुलिस ने अपनी द्रुत गति से कार्य किया और इसमें उस पाखंडी बाबा को पकड़ करके और ये सारी ज्वेलरी बरामद की, इसको समझा और ये जो प्रोग्राम है इससे और कुछ नहीं, बहुत बड़ा एक मैसेज और सारे पुलिस विभाग में जाता है जिससे सारे हमारे नीचे से लेके ऊपर तक के सारे अधिकारी प्रोत्साहित। हम तो पुलिस बहुत बहुत बधाई की पात्र है इसमें कि 10 जुलाई को ये मामला सामने आया। व्यापार मंडल ने और पवार जी का, जिनका ये मामला था, जो कि एक सराफा व्यापारी हैं ऋषिकेश के, बहुत प्रतिष्ठित व्यापारी हैं और समाजसेवी भी हैं, उनके साथ ये मामला हुआ था उस ठगी बाबा का। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने एक फ्रॉड बाबा की गिरफ्तारी कर ली, जिसका अगर आप जो सोशल अप्रोच है या सोशल रीच है उसमें आप देखेंगे तो बड़े बड़े मंत्रियों के साथ, बड़े बड़े अफसरों के साथ फोटो खिंचाई, लेकिन पुलिस ने इस चीज़ की परवाह ना करते हुए 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी करी। जनपद रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ ब्लॉक में जाख राजा के मंदिर में 5 दिवसीय शकलीकरण, जलाभिषेक, पूजा अर्चना और पूर्णाहुति यज्ञ के साथ संपन्न हुआ। भगवान जाख राजा का भव्य जल यात्रा के साथ जलाभिषेक किया गया। आपको बता दें कि जाखधार में जाख देवता की वर्षों से भव्य पूजा अर्चना और हवन यज्ञ का कार्यक्रम आयोजित होता आ रहा है। विकास मंच के संरक्षक राकेश नेगी ने बताया कि पौराणिक काल से मान्यता है कि यहाँ पर मन्नत मांगने वालों की हर मनोकामना भगवान जाख पूरी करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड के मध्मेश्वर घाटी के गढ़गो गांव में आज जाख राजा भगवान के सकलीकरण, 5 दिवसीय सकलीकरण कार्यक्रम का यहाँ पे समापन होने जा रहा है। और इससे पूर्व कल के जो दिवस पे यहाँ पे केरगाड नामक नदी से यहाँ पे जल लाया गया और भगवान जागराज को इसका जलाभिषेक किया गया और गढ़गू गांव के ग्रामीणों द्वारा यहाँ पे प्रतिवर्ष माघ माह में वार्षिक पूजा अर्चना की। विकासनगर तहसील क्षेत्र के ढकरानी गांव की दर्जनों महिलाओं ने कोतवाली का घेराव किया। महिलाओं का आरोप है कि ढकरानी गांव की बबली नाम की महिला ने महिला समूह बनाकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की है। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि उन्होंने 5 फाइनेंस समूह में 50,000, 30,000, 17,000 और 30,000 की रकम बबली को दिए थे, लेकिन अब बबली पैसे लौटाने से इनकार कर रही हैं। वहीं चौकी प्रभारी ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी आरोपी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
महिलाएं आई है जिनका आरोप है बबली देवी नाम की कोई महिला है जिसने उनसे कुछ पैसे लिए थे और उन पैसों को ना तो वो चुका रही है ना उनकी किस्तें वापस लौटा रही है। तो इस संबंध में आज ढकरानी से महिला आके बबली देवी के खिलाफ एक शिकायत पर रहा था। नैनीताल जिलाधिकारी ने फरियादियों की समस्याओं को सुना और निस्तारण के आदेश दिए। लोगों की समस्याओं में सड़क, पानी, शिक्षा, बीमारी, इलाज, मुआवजा और नहर की समय से सफाई न होना शामिल था, जिसको लेकर डीएम ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए जल्द समस्याओं को दूर करने के आदेश जारी किए हैं। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में केवल 11 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 58 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा जा चुका है। वहीं सक्रिय मामलों की बात करें तो सक्रिय मामलों की संख्या घटकर इस वक्त 606 हो गई है। देहरादून जिले में गर्भवती महिलाओं को जल्द कोरोना का टीका लगना शुरू हो जाएगा, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग तैयारी में इस वक्त जुट चुका है। स्वास्थ्य कर्मियों को इस संबंध में प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। जीवनदीप आश्रम में पहुंची उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्या ने शतचंडी महायज्ञ में भागीदारी की। इसके साथ ही गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित पूजन में शामिल होकर महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद का आशीर्वाद भी उन्होंने लिया। रुड़की में जीवनदीप आश्रम में एक सप्ताह से चल रही शतचंडी महायज्ञ का समापन हो गया है। समापन अवसर पर उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्या ने यज्ञ में भागीदारी की। इसके बाद गुरु पूजन में शामिल होकर महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद का आशीर्वाद भी उन्होंने प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना के चलते देश बहुत दिक्कतों से जूझ रहा है, उसी के मद्देनजर स्वामी यतीन्द्रानंद ने महायज्ञ आयोजित किया है। अब देख ही रहे हैं जिस तरह से पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है, उसकी शांति के लिए उत्तराखंड में हमारे स्वामी जी ने रुड़की में ये शतचंडी यज्ञ कराया है और संभवतः और चलेगा। तो ये कोरोना को भगाने के लिए, कोरोना कैसे जाए उत्तराखंड से इन और सब लोगों को कैसे शांति मिले, उनका कारोबार कैसे चले, वो कैसे अपनी हर काम में लगें, ऐसी मंगल कामना करते हुए ये यज्ञ हो रहा। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अपने विधानसभा का भ्रमण किया। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्वतीय क्षेत्रों के विकास, बेहतर विकास को लेकर कार्य कर रही है। गांव-गांव को सड़क से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही अधूरे और बाधित कार्यों को भी पूरा किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मार्गों का शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि चौबट खाल विधानसभा के लिए व्यास घाट नजदीकी रेलवे स्टेशन होगा। उत्तराखंड में होने जा रहे विधानसभा चुनाव ने सियासी हलचल इस वक्त तेज कर दी है। एक तरफ बीजेपी अपने तमाम बड़े चेहरों की रैलियां करवाने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी इस बार युवा चेहरों पर भरोसा जता रही है। अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी इस राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए इस वक्त तैयार दिखाई दे रही है। बीजेपी की बात करें तो उनकी तरफ से आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की रैलियां आयोजित होने वाली है। वहीं कांग्रेस और आप भी दबे पांव अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाते हुए दिखाई दे रही है। प्रदेश कांग्रेस संगठन में मिशन 2022 को लेकर की गई कवायद के बाद कांग्रेस कई धड़ों में बटी नजर आ रही है। आपको बता दें कि पार्टी हाईकमान में 10 कमेटियों का गठन कर करीब 180 से ज्यादा सदस्यों की सूची इस वक्त जारी कर दी है, जिसमें हर धड़ को खुश रखने की कोशिश की गई है। लेकिन बावजूद इसके पार्टी में असंतोष के सुर सुनाई दे रहे हैं। अपने मन मुताबिक पदों के बंटवारे के बाद भी समितियों में कुछ अप्रत्याशित नामों को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत नाराज बताए जा रहे हैं। कभी हरीश के सिपहसालार कहे जाने वाले पूर्व मंत्री किशोर उपाध्याय, पूर्व मंत्री नव प्रभात और विधायक हरीश धामी भी खासे नाराज बताए जा रहे हैं। कलियर नगर पंचायत के सभासदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर बोर्ड बैठक करवाए जाने की मांग की है। सभासदों ने कहा है कि नियमानुसार महीने में एक बार बोर्ड बैठक होनी चाहिए। बोर्ड बैठक न होने के कारण क्षेत्र के विकास कार्य रुके हुए हैं। कलियर नगर पंचायत में करीब एक साल से बोर्ड की बैठक आयोजित नहीं हुई है। इससे नाराज पार्षदों ने अधिशासी अधिकारियों को पत्र सौंपा।
वहीं अधिशासी अधिकारी रमेश सिंह रावत का कहना है कि शौचालय आवास में हो रहे देरी से आवंटन और नाली निर्माण और सफाई को लेकर जल्द से जल्द कार्य शुरू किए जाएंगे। हम सभी मेंबरान ने, जितने भी हमारे नगर पंचायत के सदस्य हैं, सभी ने इसलिए सौंपा है कि विकास कार्यों में काफ़ी देरी हो रही है और हमारे जो शौचालय का कार्य था काफ़ी दिन हो गए हैं, लोग अब तक नहीं मिले और कुछ और इशूज हैं जो हमारे यहाँ नगर पंचायत में हैं और हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर, हम सब लोगों ने ज्ञापन जो सौंपा है ईओ साहब को, वो ताकि जल्द से जल्द एक बोर्ड की बैठक बुलाई जाए जिसमें हमारे विकास कार्य जो छूटे हुए हैं और जिन जो और नए होने हैं ताकि हम लोग उस पर डिस्कस कर सकें। पूरा देश कोरोना की तीसरी लहर को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने कोरोना के थर्ड वेव को लेकर संसद में कुछ अहम जानकारियां दी हैं। तीसरी लहर या तो वायरस में बदलाव की वजह से आ सकती है या अति संवेदनशील आबादी के कारण। तो चलिए हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। संसद में उठा कोरोना की तीसरी लहर का मुद्दा, केंद्र सरकार ने दी अहम जानकारियां। अति संवेदनशील आबादी बनेगी तीसरी लहर की वजह, वायरस में बदलाव भी होगा मुख्य कारण। केंद्र सरकार ने लोकसभा में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कई अहम जानकारियां दी हैं। सरकार का कहना है कि कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर या तो वायरस में बदलाव की वजह से आ सकती है या अति संवेदनशील आबादी के कारण भी आ सकती है। सरकार ने यह भी कहा कि ये महामारी के प्रबंधन के लिए विभिन्न औषधीय और गैर औषधीय उपायों पर भी निर्भर है। एक सवाल का लिखित जवाब में केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि टीकाकरण रोग को गंभीर होने से बचाता है और प्रतिरक्षा में भी मददगार है। यह भविष्य में भी महामारी के प्रभाव को कम करने में मददगार होगा। वहीं लोकसभा में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने बताया कि 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के टीकाकरण को पूरा करने की कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की जा सकती है, लेकिन इस साल दिसंबर तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी बताया कि चौथे सीरो सर्वे में 6 साल से अधिक उम्र के 67.6% व्यक्तियों में कोरोना एंटीबॉडी पाई गई है। ये सीरो सर्वे 14 जून से 6 जुलाई के बीच देश के 20 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के 70 जिलों में कराया गया था। वहीं केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना महामारी की दूसरी लहर में पिछले एक दिन में सक्रिय मामलों में 3,881 की गिरावट आई है और कुल एक्टिव केस 4,05,513 रह गए हैं, जो कुल मामलों का 1.3% है। इस दौरान 35,382 केस पाए गए हैं, जबकि एक दिन पहले 40,000 से ज्यादा नए मामले मिले थे। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के दैनिक संक्रमण दर पिछले 32 दिनों से 3% से नीचे है। मरीजों के उबरने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है, हालांकि मृत्यु दर में कमी नहीं आ रही है। पिछले कुछ दिनों से मृत्यु दर 1.30% से ज्यादा बना हुआ है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी बताया है कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास अभी कोरोना वैक्सीन की 2.75 करोड़ डोज बची हुई है। सरकार की तरफ से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अभी तक कुल 43.47 करोड़ डोज मुहैया कराई गई है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। और इसी के साथ पहाड़ समाचार में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।